हम उतरेंगे सड़कों पे, हम उतरेंगे सड़कों पे। हम अपना अधिकार मांगते हैं। कमीशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमीशन तुम भी काम करो, छोड़ो काम करो, कंट्रोलर काम करो, छोड़ो काम करो। मांगते नहीं किसी से भी मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी मांगते, हम अपने अधिकार मांगते नहीं किसी से। रिजल्ट लेट हुआ था और उस समय आपने इनको अलो किया था एकेडमिक सेशन सेकंड में बैठने के लिए। अब इनके सेकंड ईयर के एग्जाम्स हुए हैं, उसको 6 महीने हो चुके हैं और इनका रिजल्ट नहीं आया। और अब आप मुझे सारे कॉलेजेस हैं सर, जम्मू प्रोविंस के सारे कॉलेजेस का रिजल्ट नहीं आया। कठुआ, राजौरी और डोडा के 20 बैच सर, फर्स्ट बैच ऑफ पैरामेडिकल ऑफ जम्मू। सर, ये कब अपनी पढ़ाई खत्म करेंगे और कब आगे सर करेंगे? अगर छात्रों का, स्टूडेंट्स का एक साल रिजल्ट देरी से किया जाएगा तो क्या करेगा सर? क्या आप रिस्पॉन्सिबल होंगे? क्या आप रिस्पॉन्सिबल होंगे? इनकी जो फॉर्म लगने से आगे उसके लिए एक साल हो चुके आगे, कौन रिस्पॉन्सिबल है? पास आउट हो चुके हैं, वो इंटर्नशिप कर रहे हैं सर। फिफ्थ बैच ऑफ पैरामेडिकल स्टूडेंट्स
जो है आ गया है, लेकिन फर्स्ट बैच अभी तक पास आउट ही नहीं हुआ। आप मुझे बताइए इन विद्यार्थियों का जो कीमती समय है, अब जो जॉब्स इनकी आने वाली है, हाउ दे आर एलिजिबल इन दैट, उनका कितना टाइम। और सर ये सेम बैच, सर ये सेम बैच कम से कम 5 बार यहाँ पे आ चुका होगा आपके पास, और डिफरेंट डिफरेंट इशू को लेकर विवेक सर से बड़ी बड़ी बार मिल चुके हैं आपसे। और सर मैं आपके साथ लास्ट ईयर आई थी, सेम बैच। अब आप थोड़ा रुक जाएंगे, अब उन्होंने बात कर दी, आप थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि बात से याद है आप लोग किसके पास आए थे रिजल्ट के लिए। सर लास्ट टाइम भी मैं आपसे, सर लास्ट टाइम भी मैंने आपसे मीटिंग की, लास्ट टाइम नहीं, मैं अभी कह रहा हूँ जो ये रिजल्ट पेंडिंग है सेकेंड ईयर सर, उसको आया था आपके कॉलेज, आपका आना तो चलो बनता ही सर। ये स्टूडेंट्स आए थे जम्मू यूनिवर्सिटी के पास, नमस्ते, अक्षी बिलोरिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की प्रांत मंत्री। आप सब मीडिया भाइयों के ध्यान में होगा कि 2023 में भी हम लोगों ने जो है कंट्रोलर ऑफिस के बाहर जो है प्रोटेस्ट किया था पैरामेडिकल स्टूडेंट्स की डिमांड को लेकर के। तब भी यही विषय था कि जो पैरामेडिकल का पहला बैच जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था, उस बैच की जो है एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था वो 1.5 साल तक डिले किया गया था, और उनको नए एकेडमिक सेशन में बैठने की अनुमति इसलिए नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उनका रिज़ल्ट ही नहीं आया था। तो उस समय भी विद्यार्थी परिषद ने एक प्रोटेस्ट किया था, और जो अपने पैरामेडिकल के विद्यार्थी थे उनको सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए जो है एलिजिबल करवाया था, सेशन के लिए एलिजिबल करवाया था। अब वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है 6 महीने से पेंडिंग है। जब ये विद्यार्थी अपने कॉलेज प्रशासन से पूछते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो वो बोलते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी से रिज़ल्ट डिले किया जा रहा है। और जब ये विद्यार्थी जम्मू यूनिवर्सिटी आता है तो इनको कहते हैं कि कॉलेज वाले जो है हमें रिज़ल्ट नहीं भेज रहे हैं। तो ऐसे करके इन विद्यार्थियों को आए दिन जो है परेशानी हो रही है, और जहां इनकी डिग्री 3 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी और इनकी इंटर्नशिप शुरू हो जानी चाहिए थी, इनकी डिग्री को 4 साल हो चुके हैं और इनके अभी 3rd सेमेस्टर में इनको जो है एलिजिबिलिटी नहीं मिल रही, उसका रिज़ल्ट जो है 2nd सेमेस्टर का नहीं आया। तो ये कब अपना जो है 3rd ईयर जो है कंप्लीट करेंगे। वही कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो बैच इनके साथ शुरू हुआ था, वो लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके जो है अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, अपनी जॉब्स कर रहे हैं, और जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर जो पैरामेडिकल के कॉलेजेस थे ये 1st बैच है, इनके साथ 5th बैच आ चुका है, लेकिन इनकी डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए कि हर तीसरे दिन इन विद्यार्थियों को जम्मू यूनिवर्सिटी आना पड़ता है और जो है अपने हकों के लिए लड़ना पड़ता है। किस प्रकार ये विद्यार्थी परेशान है जिनकी डिग्री कंप्लीट हो करके अभी उनको एडजस्ट हो जाना चाहिए था, वो यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो आज इसी के लिए विद्यार्थी परिषद जो है पुनः एक बार कंट्रोलर ऑफिस के बाहर इन विद्यार्थियों के साथ इकट्ठा हुई है और अपनी इनकी जो मांग है वो पूरी कराने में इनकी सहायता करेगी, इसलिए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कंट्रोलर साहब को बार बार चेतावनी देने के बाद भी कंट्रोलर ऑफिस की तरफ से रिजल्ट जो है वो डिले होते हैं, जबकि 45 डेज में रिजल्ट आने का प्रावधान जो है वो यूनिवर्सिटी में तय है कि कोई भी एग्जाम होता है उसके बाद 45 दिन के अंदर आप रिजल्ट पब्लिश करेंगे, परंतु 6 महीने हो गए हैं इनके एग्जाम हुए हुए और अभी तक इनका रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ। क्या आप ऐसा क्या रिजल्ट बना रहे हैं जो आपको रिजल्ट पब्लिश करने में इतनी देरी हो रही है? क्या आपको इन विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता नहीं है? क्या आपकी गलती की वजह से विद्यार्थी सफर नहीं कर रहा? कल को जब ये लोग जॉब में अप्लाई करेंगे तो इनको एज लिमिट में भी तो फर्क पड़ेगा, ये किस प्रकार से अपना जो है आगे का जो सफर है जिंदगी का वो तय कर पाएंगे, ये सोचना जम्मू यूनिवर्सिटी को है। पहले भी आप लोगों ने समय भी इनकी रिजल्ट डिले जो है 1.5 साल के बाद इनका रिजल्ट निकला था, उस समय भी इनका रिजल्ट डिले था, और जब हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया तो उसके 2-3 दिन के अंदर इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। सेम विषय जो है आप फिर से जो है सेकंड सेमिस्टर के रिजल्ट के लिए है, 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जबकि आपको पता है कि इस बैच को ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये बैच ऑलरेडी सफ़र कर रहा है। आप उनकी 3 साल की डिग्री को आप मुझे बताइए 5 साल की डिग्री बनाना चाहते हैं? जो विद्यार्थी का लॉस होने वाला है आगे की एकेडमिक सेशन का, अब उसको कहीं एडमिशन लेनी होगी, कहीं जॉब्स निकलेंगी, वो किस प्रकार से उसमें अप्लाई करेगा? बार बार एक ही विषय को लेकर के हमें इनके पास आना पड़ता है, परंतु कंट्रोलर ऑफिस जो है ज़रा सा भी इस चीज़ के ऊपर जो है अपनी संजीदगी जो है वो व्यक्त नहीं करता है। क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इन विद्यार्थियों के फ्यूचर की?
क्या वो ये रिटर्न में दे सकते हैं कि इन विद्यार्थियों को वो लोग